नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन गांधी कॉलोनी के ठीक सामने। आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने गांधी कॉलोनी है, उसके सामने ही हम अभी पहुंचे हैं। और ये रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी वो एक बार जानेंगे। और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? सोनू। सोनू जी हमारे साथ हैं। सोनू क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ जी। ये चार पांच लड़के ये बदमाशी दिखाते, कार्तिक और ये बंटी और देशराज के लाला ने रात को खामा खाए मारा, पैसे छीनते हैं, पैसे ना दो तो गाड़ियों के शीशे फोड़ देते हैं, और कई बार कर चुके ये। और उस दिन रोटी लेने जा रहे थे, उसका भी नाम सोनू है जो मेरे साथ जा रहा था, और हम तो ऑटो आगे लगा दिया, आगे जेब तलाश करने लग गया। ये भी ऑटो चलाते हैं? वो नहीं चलाते, वो बदमाशी करते। झगड़ा किस बात का हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ, रोटी लेने जा रहे थे, वो बोल रहे दारू मंगाओ हमारे लिए। हमने बोल दिया भाई पैसे नहीं है, तो जेब तलाश करके पैसे हाँ पैसे निकाल लिए, तो पैसे नहीं दिए तो इस बात पे उन्होंने मारा लात ही लात, घूसे घूसे और दांत तोड़ दिया। और क्या कारण था? दारू के लिए पैसे मांग रहे थे, मना कर दिया तो इस बात पे मारा। और हमेशा ही पैसे छीनते कि 50-50 रुपए दो, अब बोलते हफ्ता दो हमें। और दादागिरी को हाँ, और ऑटो वालों से, हर ऑटो वाले सारे ऑटो वाले से बोलते ये। और एक ऑटो वाले का शीशा भी फोड़ दिया था रात को, उससे बोले दारू दिला के ला, उसने बोला मैं नहीं जा रहा, तो नई गाड़ी थी उसका शीशा फोड़ दिया। वो बेचारा बाहर का था, वो यहाँ का तो था नहीं। ये लाला जब भी आता है ऐसी बदमाशी करता है। और ना मारो, आपका कोई यहाँ यूनियन नहीं है? ऑटो की यूनियन नहीं है कोई यहाँ प्रधान? उससे सारे डरते लाला से, इस वजह से कोई उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। और ये कार्तिक है, ये बोल रहा किसी को भी बुला लो गोल चक्कर से लेकर फतेहपुर तक, वो भी पिटेगा तुम्हारे साथ। ये कार्तिक गांधी कॉलोनी का, उसके भाई की दुकान सामने दुकान है, उसका भाई बोल अपने भाई की धमकी देता कि मेरा मैं किसी को ही मारूं मेरा भाई 50,000 रुपए दे के छुड़वा लाएगा। और कब का मामला है ये? परसों रात का, 14 तारीख की रात का, 12:30-1 के बीच की बात है। पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस ने कार्रवाई तो करी, पर वो लोग कोई घर पे नहीं मिले, फरार है। शिकायत आपकी एफ आई आर लिखवा रखी है? एप्लीकेशन दी है। सब कुछ पता है, नाम कार्तिक है, बंटी है और देशराज का लाला है। एफआईआर क्यों नहीं की? एफआईआर वो कंप्लेंट दिए, अभी वो कल पुलिस वाले आए भी थे तो कोई मिला नहीं, घर भी गए थे, तो अब दोबारा कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है? यहाँ सीसीटीवी एक है, ये सामने उधर से भक्ता हुआ आया था, उस सीसीटीवी कैमरे की कार्तिक की वीडियो आई होगी, और उसके सामने भी लग रहे कैमरे। पर उधर पे थोड़ी बहसबाजी हुई थी, मैं इधर पे अपना ऑटो लेके आया तो इधर पे ऑटो लगा दिया, मैंने बोला अबे जान देना हमें, फिर बोला दारू मंगाओ, हमने बोला भाई पैसे नहीं है, तो जेब पे हाथ मार के पैसे निकाल लिए, 400-500 रुपए थे, तो फिर इस वजह से मारने लगा, छाती में लाती लात मारी और घूसे घूसे मारे। आपके साथ दूसरे भी शख्स और अब ये देख सकते हैं। तो आप क्या नाम आपका? सोनू नंदा। आपके कहाँ चोट लगी आपको? अच्छा, दांत तोड़ दिए। और समझ सकते हैं कि वो चोट लगी पड़ी है मेरी, मेरे से बोला नहीं जा रहा सर, मेरे पेट पेट में भी बहुत लाते मारी हैं, छाती पे भी लाते मारी हैं। किसने मारा? मुझे कार्तिक बंटी। फरीदाबाद समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग हैं जो दादागिरी करते हैं और यहाँ मारपीट करते हैं। ये जो ऑटो चालक हैं इनके साथ बदमाशी करते हैं, जबरन दारू के लिए पैसे मांगते हैं और ना देने पर इनके साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं जी। और ये जबड़े में लगी हुई है। और बात करेंगे, हमारे साथ है, क्या नाम? मेरा नाम सुनीता है, मैं सोनू की सिस्टर हूँ, सोनू नंदा की। परसों रात को ये हमारे घर आया तो इसके मुंह से बहुत ब्लड आ रहा था, और हमने दरवाजा खोला तो इसने बोला मेरे को बचाओ बचाओ। मैं क्या हुआ कि मेरे को 3-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह सारा, ये लड़का भी साथ में था दूसरा सोनू। तो क्या हुआ कि स्टेशन पे हम लोग बैठे हुए थे, ऑटो में आए 3 लड़के, बोले कि हमें पैसे दे। इन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, तो इनको पहले मारने लग गए, मारा गिरा गिरा के, फिर इनकी जेबों की तलाशी ली है। इनको कह रहे तुम तो कह रहे पैसे नहीं थे, ये कहाँ से आ गए, 400 रुपये इसकी जेब से निकाले हैं। और उसके बाद ईंट उठा के इसके मुंह पे मारा, इस ईंट से इसका मुंह तोड़ा है, और जा हमारे लिए देसी का इंग्लिश का आधा लेकर आ। इन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इतने कहने की देर थी, उन्होंने तीनों ने मिलकर इसको बहुत बुरी तरह से फिर मारा। इससे पहले भी एक बार झगड़ा हुआ? एक बार पहले, एक साल पहले भी झगड़ा हुआ था, तब इसके सर में कैंची मारी गई थी। और वो यहाँ इसके साथ ही नहीं,
वो यहाँ इसके साथ ही नहीं, वो जितने भी ऑटोज वाले हैं उनके साथ यही करता है, दादागिरी। और वो जो लाला है वो तो यहाँ का गुंडा है ही है, वो हफ्ता वसूली करता है, पैसा वसूली करता है, हर ऑटो वाले से 10-10 रुपए भी लेता है, और जो नहीं देता उसी ऑटो का शीशा तोड़ देता है। हाँ, 50-50 रुपए लेता है। पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई करती है, जब पुलिस आती है तो उसको जो भी उसके लोग हैं उसको भगा देते हैं, और जैसे पुलिस चली जाती है वो फिर आ जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी कार्रवाई से कहीं पीछे नहीं है, पर फिर भी वो आता है बार बार, और रात को 11 बजे आता है यहाँ। यहीं के रहने वाले? वो पहले यहीं रहता था, अब वो बल्लभगढ़ चले गए, पर वो डेली यहीं रहता है। अब यहाँ कौन कौन रहते हो? है यहाँ ये जो सामने चाय की दुकान है, अंकुश कुमार इसका भाई है कार्तिक, आगे एक स्टैंड वाले हैं, उसके भाई का बेटा है बंटी। इन्होंने पूरे स्टेशन पे रात को 11 बजे से लेकर, कार्तिक बंटी और लाला, हाँ जी कार्तिक बंटी और लाला, इन्होंने नहीं, कल पुलिस आई थी इनको अरेस्ट करने के लिए, इनके घरों में गई है, ढूंढा है, पर ये लोग घर से भागे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, ये ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हैं हम, जहाँ आप देख रहे हैं ऑटो की कतारें, और यहाँ जितने भी ऑटो चालक हैं वो परेशान हैं, ये जो 3 लोग हैं उनके आतंक से परेशान हैं, जो कहते हैं कि ये जी रात वरना दुकान खुली रहती है, उधर पे लड़के बिठा के रखते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और उसी के यार दोस्त हैं, इस वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता उनको। और पहले दो लड़कों को गिरफ्तार भी कराया, जेल भी भेजा पुलिस वाले ने, पुलिस वाले कार्रवाई तो करते पर वो मानते नहीं है, फिर दोबारा यही हरकत करते हैं, आगे फोन वोन छीनते हैं, पैसे छीनते हैं पब्लिक के, परेशान करते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं क्या? आप भी ऑटो चलाते हैं? अच्छा, तो क्या 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 हुआ, क्या कहेंगे आप? बोलना पैसे तो छीने लाला ने पहले। तो आप देख सकते हैं लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी रोड पे रहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, इसे मारा है, इनके गिरफ्तारी करें, मांग है। लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ तमाम लोग हैं, ऑटो चालक हैं, लेकिन कुछ कहने से थोड़ा सा डरते हैं कि अगर ये कहेंगे तो पता लगे बाद में, फिर इनके साथ हाथापाई करें, मारपीट करें, इस वजह से कोई कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जिसके ऊपर बीती होती है, जिसको चोट लगी होती है, वो तो रोता है, वो कहता है, इसलिए जिसके साथ ये हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, वो लोग लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।